बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्बो टर्बाइन। तो हम देख लेते हैं कि टर्बो टर्बाइन में क्या होता है। बेसिकली ये टर्बो टर्बाइन जो है ये आपके पास इम्पल्स टर्बाइन की टाइप है। तो चूंकि कोर्स आउटलाइन में हमारी टर्बो टर्बाइन के एक टॉपिक लिखा हुआ था तो हम इसको देख लेते हैं तफसील से कि टर्बो टर्बाइन क्या होती है। सो अ टर्बो टर्बाइन इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रो टर्बाइन, स्पेसिफिकली एन इम्पल्स टर्बाइन डिवेल्प इन 1920। तो सिंपल बात इसने की है कि टर्बो टर्बाइन है वो इम्पल्स टर्बाइन की टाइप है और बेसिकली ये हाइड्रो टर्बाइन है। हाइड्रो मीन पानी से चलने वाली टर्बाइन है जो कि 1920 में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिवेलप किया गया था। दैट इज़ वेरियंट ऑफ द पेल्टन व्हील, जो कि पेल्टन व्हील टर्बाइन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब किस तरह मुख्तलिफ है वो कहते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पेल्टन टर्बाइन एंड अ टर्गो टर्बाइन इज दैट टर्गो टर्बाइन यूज सिंगल कप्स इंस्टेड ऑफ डबल कप ऑन द व्हील एंड दीज कप्स आर शेलो। अब ये बात आपने याद रखनी है। वो क्या कहता है कि जो टर्गो टर्बाइन है आपके पास वो एक तो आपके पास कहते हैं कि जो टर्गो टर्बाइन है और जो इम्पल्स टर्बाइन है उन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो कप्स के है। अब कप्स का किस तरह मेन डिफरेंस है, कहते हैं टर्गो टर्बाइन में सिंगल कप्स यूज़ होते हैं जबकि पेल्टन व्हील में डबल कप्स होते हैं और मोर शैलो होते हैं, मतलब हलो टाइप होते हैं। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं। द वाटर इन अ टर्गो टर्बाइन इज मूविंग क्विकली हाई विल हार्ड फिगर टू। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे जो वाटर का हेड होता है वो भी हाई होता है, यानी कि सॉरी वेलोसिटी हेड जो होता है वो हाई होता है। अब उसका क्या मतलब है आपके पास कि जो वाटर आ रहा है टर्गो टर्बाइन में वो हाई वेलोसिटी से आएगा एज कंपेयर टू जो आपके पास इम्पल्स टर्बाइन थी। एंड द टर्बाइन एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द वाटर बाय स्लोइंग द वाटर डाउन विच मेक्स एन इम्पल्स टर्बाइन। बड़ी ज़बरदस्त इसने बात की है। वो कहते हैं कि अब आप इससे एनर्जी किस तरह ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि जो वाटर आता है वो हाई स्पीड से आता है और हाई स्पीड से आने के बाद वाटर क्या करता है, वो जब टर्बाइन से स्ट्राइक करता है तो अपनी हाई वेलोसिटी जो हाई वेलोसिटी हेड है वो टर्बाइन ब्लेड्स को दे देते हैं और खुद वाटर आगे मूव कर जाते हैं। इस तरह आपकी एनर्जी जो है वो टर्बाइन को कन्वर्ट हो जाती है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं नोजल इनलेट लिखा हुआ है, तो यहाँ से वाटर क्या होगा, वाटर इन होगा। जब वाटर इन होगा तो ये जो आपको आगे रनर नज़र आ रहा है यहाँ से जब वाटर ये पर्पल कलर का, तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा वाटर तो इसको रोटेशन देगा, ये टर्गो रनर इसको आप कह सकते हैं। तो इससे वाटर जब इसको रोटेशन देगा तो इसकी शाफ्ट कपल है जनरेटर के साथ। ये जो आपको ग्रीन कलर की केसिंग नज़र आ रही है ये क्या है आपकी, यहाँ पे आपका जनरेटर लगा हुआ है। तो चूंकि ये शाफ्ट जनरेटर से कपल्ड है तो जैसे ही आपके टर्बो टर्गो आपका रनर रोटेट करेगा आपके पास जो जनरेटर की शाफ्ट है वो भी रोटेट करेगी और फिर जनरेटर की शाफ्ट के रोटेट होने की वजह से वहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा और फिर आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेने से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो नेक्स्ट देखते हैं। द टर्गो टर्बाइन इज एन इम्पल्स टर्बाइन एंड कैन हैंडल फ्लो रेट्स दैट आर हायर देन दोज अ पेल्टन टर्बाइन कैन हैंडल। तो इसमें जो आपके पास इसका जो हैंडल मतलब जो ये आपके पास फ्लो को देखेगी ये ज़्यादा फ्लो को देखेगी एज़ कंपेयर टू जो आपके पास फ्लो होंगे जो आपके पास इम्पल्स टर्बाइन फ्लो को देखती है वो आपके पास आप कह सकती हैं कि वो स्लो स्पीड होती हैं, और जो आपके पास यानी कि पेल्टन व्हील जो देखती है वो आपके पास स्लो स्पीड को देखती है और जो आपके पास टर्गो टर्बाइन है वो हाई स्पीड को देखती है। दिस एबिलिटी टू डील बेटर विद लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर गिव्स द टर्गो टर्बाइन एंड एडवांटेज व्हेन यूज्ड इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स दैट हैव
मीडियम हाइड्रोलिक हेड्स, इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि चूंकि इसका हेड ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को यूज़ कर सकती है, उसको कंट्रोलेबल कर सकती है, इसीलिए जो आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं वहाँ पे आपकी मोस्टली यही टर्बाइन्स यूज़ की जाती हैं। ऑल्दो दे आर बेटर एबल टू डील विद द हाई फ्लो रेट्स, टर्बो टर्बाइन्स आर स्लाइटली लेस एफिशिएंट। कहते हैं कि अगरचे हालांकि ये हाइट ज़्यादा हाइटेड वाटर को यूज़ कर सकती हैं, मतलब जो वाटर आपका ज़्यादा हेड पे होता है उसको ये इजीली यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसके एक डिसएडवांटेज है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो आपके पास कम होती है एज़ कंपेयर टू इम्पल्स टर्बाइन। सो सिंस द रनर ऑन दीज टर्बाइंस आर स्मॉलर एंड फास्टर स्पिनिंग, सम टर्बो टर्बाइंस कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू जनरेटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर हैविंग अ स्पीड इंक्रीजिंग ट्रांसमिशन। अब इसने एक बहुत ही आपको अच्छा कंसेप्ट दिया यहाँ पे, वो कहता है आपके पास कि ये जो टर्बो टर्बाइन है ये जो आपके पास, हालांकि इसका जो कहता है कि जो ब्लेड है जो रनर है वो स्मॉल साइज़ के है, जब स्मॉल साइज़ का है तो इसकी रोटेशन भी ज़्यादा होगी, तो चूंकि जो नॉर्मल टर्बाइन होती है वहाँ पे हम गियर बॉक्स बड़े लेवल पे यूज़ करके उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, जनरेटर की स्पीड को एज़ कम्पेयर टू द टर्बाइन स्पीड। फॉर एग्जाम्पल टर्बाइन का जो रोटर है वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो जो आपको जनरेटर का है वो आपके 5 चक्कर कंप्लीट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे चूंकि जो टर्बाइन का आपके पास रोटर है वो स्मॉल है, तो इसीलिए वो जितने चक्कर कवर करता है हम डायरेक्ट उसको जनरेटर से कपल कर देते हैं, जनरेटर भी उतनी चक्कर कवर करता है। इट मीन कि यहाँ पे आपको कोई गियर बॉक्स नहीं यूज़ होता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये हाई स्पीड है। आगे देख लेते हैं इसका डिज़ाइन किस तरह होता है। द डिज़ाइन ऑफ टर्गो टर्बाइन इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ पेल्टन टर्बाइन। एसेंशियली अ टर्गो टर्बाइन इज़ अ पेल्टन टर्बाइन कट इन हाफ। कहते हैं कि ये होती है आपके पास पेल्टन टर्बाइन ही है, लेकिन उसके हाफ उसको अब कट कर दें पेल्टन को टर्बाइन को, तो ये टर्गो टर्बाइन ऑब्टेन होती है। अ लार्ज सर्कुलर डिस्क इज माउंटेड ऑन द सेम सॉर्ट ऑफ रोटेटिंग शेफ्ट नोन एज रोटर। इसमें भी उसी तरह आपके पास, वो कहता है कि डिस्क मीन कि आपके पास बकेट्स लगी होती हैं रोटर के ऊपर। माउंटेड ऑन दिस सर्कुलर डिस्क आर कप शेप ब्लेड्स नोन एज बकेट्स इवनली स्पेस्ड अराउंड द इंटायर व्हील। वही बात कर रहा है कि जो आपके पास ये, आप डायग्राम में मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो इसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं ना, ये छोटे छोटे जो आपको रोटेशन नज़र आ रही है, ये जो अंदर ब्लेड्स लगे हुए हैं, इसको वो यहाँ पे बकेट्स का नाम दे रहा है कि ये बकेट्स लगी होती हैं और ये पूरे व्हील पे इक्वली डिस्प्लेस होती हैं। देन नोजल्स आर अरेंज्ड द व्हील एंड सर्व द पर्पज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेट ऑफ वाटर टू द टर्बाइन। वही बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी नोज़ल लगी होती हैं। नोज़ल क्या काम करती हैं? नोज़ल जो होती हैं वो आपके पास जेट को क्या करती हैं, स्ट्राइक करवाती हैं आपके जेट को टर्बाइन की बकेट्स पे। अब जहाँ पे भी आपका ब्रेकिंग जेट वाला सेम फिनमिना होता है, ब्रेकिंग जेट भी आपका लगा होता है टर्बाइन को इंस्टेंटेनियसली रोकने के लिए। तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि ऑपरेशन इसका क्या है, किस तरह ये वर्क करती है। द ऑपरेशन ऑफ अ टर्गो टर्बाइन इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ पेल्टन टर्बाइन। अब वो कहते हैं इसका ऑपरेशन सिमिलर है, क्यों सिमिलर है? क्योंकि आपको पता है ये भी इम्पल्स टर्बाइन है और पेल्टन व्हील भी इम्पल्स टर्बाइन है। इन दिस टाइप ऑफ टर्बाइन हाई स्पीड जेट ऑफ वाटर इमर्ज फ्रॉम द नोजल दैट सराउंड्स द टर्बाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं कि हाई स्पीड वाटर जेट क्या करता है, वो इंटर होता है नोजल के थ्रू और टर्बाइन से क्या करता है, टकराता है, टर्बाइन को सराउंड करता है। दीज नोजल्स आर अरेंज सो द वाटर जेट विल हिट द बकेट ऑन वन साइड एट एन एंगल ऑफ अराउंड 20 डिग्री। दिस शेलो एंगल अलाउज द वाटर स्ट्रीम टू एग्जिट ऑन द अदर साइड इंस्टेड ऑफ बींग डाइवर्टेड बैकवर्ड। अब बेल्टन व्हील में तो आपका जो फ्लो था वो टोटली क्या होता था, 165 के एंगल पे बैकवर्ड आपका चला जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो फ्लो है वो 20 डिग्री पे उसको डिफ्लेक्ट करवाया जाता है इंस्टेड ऑफ 165 डिग्री, जैसे कि आप इम्पल्स टरबाइन में करवाते थे।
सिंस द इनकमिंग एंड आउटगोइंग जेट्स डोंट इंटरफियर लाइकली दे डू इन द पेल्टन टर्बाइन, जैसे पेल्टन टर्बाइन में वो एक दूसरे को इंटरफियर करते थे, जैसे कि 165 पे जब वो टर्न करता था तो इनकमिंग जेट और आउटगोइंग जेट आपस में इंटरफियर हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इंटरफियर नहीं होते क्योंकि एंगल आपका बहुत स्मॉल है, दैट इज 20 डिग्री. सो दिस टाइप ऑफ टर्बाइन इज ऑल्सो एबल टू अकोमोडेट अ हायर फ्लो रेट. तो ये क्या कर सकती है, हायर फ्लो रेट को अकोमोडेट कर सकती है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप सो ये आपको टर्बो टर्बाइन का लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.